नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2021 का। दोस्तों 2021 का जो यूनियन बजट है उसको पूरी सीरीज वाइज मैं कंप्लीट करूंगा। ये जो आपका जो वीडियो होगा ये पार्ट वन होगा, पार्ट वन है। इस तरह से हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इस तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे सीरीज को, और लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स स्टूडेंट देंगे वो सभी एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस है उनका कुछ हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ से कि यूनियन बजट 2021 से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकता है। तो स्टूडेंट आज का जो बजट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि मैं इसके अंदर कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहला देखिए, बजट जो है 2021 का इम्पॉर्टेंट होने का सबसे पहला कारण यह है कि ये बजट कोविड 19 जो है महामारी के बाद देश का सबसे पहला बजट है ये। और इस बजट में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस बजट में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्योंकि लोगों का जो उम्मीदें थी ना, ये उम्मीदें वो तो आप बताओगे कि आपको सरकार से जो उम्मीद किए थे क्या उम्मीद पे सरकार खरी उतरी या नहीं, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही बता पाएंगे कि ये कैसा रहा। ठीक है बच्चे, और जो भी हमारे कलीग्स और हमारे दोस्त हैं वो सभी को मैं बताना चाहता हूँ। साथ साथ मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि इस बजट के अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है, क्या क्या अनाउंसमेंट की गई है सरकार के द्वारा, कौन कौन सी मेजर स्कीम्स लाया गया है इस बजट में, ये भी डिस्कस करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पार्ट वन में ही कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस जब कंप्लीट सीरीज आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर लेंगे। उसके अलावे 2021 का बजट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो तीन कारण है। बजट का इम्पॉर्टेंट कारण होने का कारण क्या है कि कोविड-19 जो महामारी के कारण देश का इकोनॉमी का हमारी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और ये काफ़ी जीडीपी हमारा जो है माइनस में चला गया और लॉकडाउन लगा रहा काफ़ी दिन तक, तो इसके कारण इकोनॉमी एक्टिविटी हमारी हुई नहीं देश में, इसलिए करके वर्स कंडीशन हो गई। दूसरी कारण ये है कि लगातार 4 महीने से आप देख रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो 3 लॉ बने हैं ना, कानून जो है, यानी फार्मन जो है, यानी जो हमारे जो है सो एग्रीकल्चर रिलेटेड 3 लॉ है, उस तीनों लॉ को कैंसिल करने के लिए किसान जो है लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं। हालांकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे देश का सबसे बड़ी सेक्टर है, क्योंकि लगभग अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 55% पॉपुलेशन जो है निर्भर है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जो कि हमारे रेवेन्यू जनरेट करके देता है। समझ रहे बात को, अगर हम देखें जीडीपी में तो 3 में जो सेक्टर पर हम बात करते हैं, पहला है सर्विस सेक्टर, और सेकेंड हो गया आपका कौन सा सेक्टर, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, और फोर्थ सेक्टर अगर हम बात करें तो आप फोर्थ सेक्टर में आ जाता है आपका वीकर सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर आता है। इसमें 55% पॉपुलेशन देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। कंट्रीब्यूशन कम है तो खैर हमारे इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे पा रहा है पैसे का अगर देखा जाए तो, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है इसी लेकर के सरकार को थोड़ा विशेष ध्यान रखनी पड़ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। किसानों के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही है, तो इसके लेकर के जो है सरकार से किसान सब जो है, किसान लोग जो है जितने भी थे उम्मीदें रखी हुई थी, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखनिया है। यही सब चीज़ों के कारण जो है ये इम्पॉर्टेंट रहा बजट, ठीक है। और ये यूनियन जो बजट है ये आपका बजट जो है हमारे भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 में मेंशन है, ठीक है। आप बोल सकते हैं बजट इज द मेंशन अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान है ना उसके आर्टिकल 112 में ये बजट आपका मेंशन किया गया, ठीक है। यानी बजट मेंशन ही है 112 आर्टिकल में, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ जो इस साल के जो बजट हमारा जो पेश हुआ है वो कल हुई है, आज तो 2 तारीख हो गया, 2 सेकेंड हो गया आपका फरवरी, लेकिन ये बजट पेश हुई है 1 फरवरी को, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट फैब आपका 2021 आप बोलिए, ठीक है, ये 1 फरवरी लिख लीजिए, 1 फरवरी 2021, और आपके कल जो है 11 बजे जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है बच्चे। और जो भी हमारे स्टूडेंट हो, साथ साथ जो है हमारे क्लिक्स, हमारे फ्रेंड हैं, उन सभी के लिए एक एक चीज़ हम इस पर आपको डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन है, इंट्रो है, ठीक है।
तो अब बताते हैं इनके अलावे इसके अलावा क्या क्या सारे चीज़ें हैं, ठीक है। साथ साथ जो है 29 जनवरी 2021, यानी आज से 3 दिन 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंस किए थे कि इस साल का जो बजट है वह हमारा फ्रीडम फाइटर को भी पूरा करेगा। ये भी ध्यान में रख, ये भी बताया गया था कि ये साल का जो हमारा बजट होगा वह फ्रीडम फाइटर को भी क्या करेगा, पूरा करेगा, ठीक है बच्चे स्टूडेंट। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट इज टू बी सीन एज अ पार्ट ऑफ मिनी बजट प्रेजेंटेड लास्ट ईयर बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। पिछले साल कोविड जो है 19 महामारी के कारण हमारे देश की पूरी हालात ख़राब हो चुकी है, जिस उस हालात को सही करने के लिए हमारे देश में कई छोटी छोटी बजट आए, मिनी बजट आए, 4 से 5 बजट जिससे फंड जुटाए गए, फंड लाया गया उसके लिए। और ये इस साल का जो बजट है बोला गया है उसी समय बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि इस साल का जो बजट होगा उन्हीं मिनी बजट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं का एक्सटेंशन रूप होगा। जो मिनी बजट था ना, इन्हीं का जो है इस साल का बजट होगा उसी का एक्सटेंशन होगा। आगे समझ में, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखनी है, जो हमारे 4-5 मिनी बजट आया था उन्हीं का एक्सटेंशन होगा इस साल 2021 का बजट में। तो ये भी इन्होंने ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बताया गया, इस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों अब जो हम बात करेंगे, पहली बार जो इस बार बजट, पहली बार ऐसा है कि इस बार जो बजट फीस पेश हुई है वो पेपरलेस बजट पेश किया गया है, यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, एक तरह से बजट है, पेपर यूज नहीं किया गया। अब इसका पूरी एक एक डिटेल मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो क्या है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, अभी प्रेजेंट में फीमेल, ठीक है। और ये जो बजट जो वर्ड देख रहे हैं ना, ये आपको जो ये बजट आप वर्ड देख रहे हैं, ये बजट वर्ड जो लिया गया वो कहाँ से, फ्रेंच से, फ्रेंच वर्ड है एक तरह का। जैसे देखिए द वर्ड बजट ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज कॉल्ड बुगेट व्हिच मीन्स लेदर बैग। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने जो लिखा है, ये बजट जो वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है फ्रेंच में, एक मीनिंग होता है इसका, इसी का लिखा गया, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच में BOUGETTE बुगेट। इसका मीनिंग क्या होता है बेटे बच्चे, इसका मतलब होता है लेदर बैग, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सभी को, इसका लेदर बैग होता है। तो इसी लेकर के हम बजट पहले जब भी पेश होता था तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते, हाथ में बैग लेकर के, लेदर का बैग होता था, उससे बजट पेश करते थे, उनमें सारा पेपर वगैरह होता था, इस तरह से होता था, मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से बजट पेश होता था, इस तरह के बैग होता था, हाथ में बैग लेकर के बजट पेश करते थे, तो इनको बोलते थे, ये होता था लेदर का बैग, चमड़े का, उसके ये ट्रेडिशन था पहले। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो है अभी रिसेंटली बजट जो है इनको रिप्लेस करके, बजट पेश करने के लिए जो है, ये 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे देश में जो है सो इनको रिप्लेस कर दिया गया। और क्या किया गया, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये तीसरी बजट है इनकी, निर्मला सीतारमण की, इन्होंने ही स्टार्ट करवाई। और ये जो है से एक इस तरह से जो है बही खाता होता था, इस तरह से बही खाता होता था, इस तरह से ये बही खाता है। अब बही खाता को क्या किया जाता था, रेड कलर से के जो कपड़े होते हैं उनसे लपेट दिया जाता था इनको, इस तरह से। तो ये जो क्लोथ है, ये जो है रेड कलर का, क्या है, रेड कलर का आपका क्लोथ है, और ये बही खाता है, बही खाता। तो पहले था लेदर बैग, तो लेदर बैग के बाद क्या आया, एक रेड कलर का ये बही खाता होता है, जिसमें सारा डेटा वगैरह उसमें बही में हम लिखते हैं ना, जो अपने हिसाब वगैरह जो भी होता है बही खाता ही बनाते हैं। और उन बही खाता को लाल कलर के कपड़े से लपेट करके तब बजट पेश किया होता था। इस साल 2021 में इनके जगह पे क्या किया गया कि एक फोल्डर लिया गया, इस तरह से एक फोल्डर है, वो फोल्डर का कलर भी रेड है, इस तरह से फोल्डर लिया गया है। यहाँ भारत सरकार का एक सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से फोल्डर है,
और ये फोल्डर जो है रेड कलर का है, रेड कलर का फोल्डर है। और इस फोल्डर में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके अंदर पेपर नहीं है, इस फोल्डर के अंदर पेपर नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर इस बार पेपर के जगह पे टैबलेट रखा गया है, टैबलेट यानी टैब, टैब यूज किया गया। तो इस बार जो बजट पेश हुआ है उस फोल्डर के अंदर रेड कलर का फोल्डर है हाथ में, और निर्मला सीतारमण जी के, और साथ साथ इस फोल्डर के अंदर क्या है, टैबलेट है। इसीलिए बोला गया है इसके अंदर कोई भी पेपर यूज नहीं हुआ, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक में लाया गया है। तो यही कारण है स्टूडेंट या हमारे जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, तो यही कारण है कि इस बार हम लोग जो पेपर बजट बोलते हैं इसको पेपरलेस बोलते हैं, क्योंकि इनके जगह पे टैब यूज किया गया, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है आपका जो है बजट पेश की गई है। दूसरी बात है कि पहले जो बजट पेश होता था तो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, ठीक है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि जो बजट जो वर्ड है ये आया है इसी फ्रेंच वर्ड से, और ये बजट जो है बाद में ये बैग यूज हुआ, उसके बाद इस तरह से आया, फिर ये हुआ, अब इसमें जो है सर टैबलेट यूज हो रहा है। तो मेरा जो कहना है इसमें, इसके जगह पे ना हम लोगों को बोलना चाहिए कि टैबलेट, बजट के जगह पे टैबलेट यूज होना चाहिए, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं आप। दूसरी बात ये क्या है कि पहले क्या होता था कि जो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट जब भी पेश होता था तो पेश होने से डायरेक्ट पार्लियामेंट, जैसे मंत्रालय से वो निकला और निकलने के बाद डायरेक्ट वो पार्लियामेंट चले आते थे जहाँ पे बजट पेश हो जाता। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रालय से निकलने के बाद ये हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये राष्ट्रपति जी से मिलने गए, राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद वो बजट पेश करने गए। तो ये पहली बार ऐसा, इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, मैं जब से मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं इस बार ऐसा देखा हूँ, ठीक है, कि जो आपको फाइनेंस मिनिस्टर है वह बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति जी से जाकर सलाह मशवरा लिए या मिले, उसके बाद बजट पेश किए, ठीक है। नेक्स्ट नौ, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, जो पहली फीमेल है जो हमारे देश में फुल टाइम बजट पेश की है इस साल, ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है इनका अभी ये जो बजट है ये तीसरी बजट है, क्योंकि 2019 में ये फर्स्ट बजट पेश की थी, उसके बाद 2020 में सेकेंड बजट पेश किया है, और 2021 में ये थर्ड बजट पेश किया है। तो टोटल जो है ना अभी तक इन्होंने तीन बजट पेश की है, जिसमें निर्मला सीतारमण का जो है ये बजट जो है आपका 2021 का अगर हम बात करें तो ये थर्ड बजट है, ये भी आपका ध्यान रखना है, पेपर में आ जाते हैं, थर्ड बजट है इनका। दूसरी बात है जो थर्ड बजट जो पेश हुई है इस साल यानी 2021 में, ये जो बजट का जो स्पीच आवर रहा, स्पीच टाइम जा रहा, ये रहा इनका या कि 1 आवर 52 मिनट्स रहा इस बार का। लास्ट ईयर जब 2020 में, लास्ट ईयर जो है, सॉरी 1 आवर 52 मिनट्स जो है यहाँ पे 112 कर लेंगे, 112, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती हो गई, सॉरी इसके लिए, 112 मिनट का स्पीच रहा, ठीक है। और ये पता नहीं इस बार एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में है। तो इस बार जो है बजट का जो टाइम रहा, आप देखिए 1 आवर जो है आपका 60 मिनट हो गया, अब प्लस इधर जो है 52 और आप जोड़ लीजिए तो 112 मिनट हो रहा है, सॉरी इसके लिए 120 मिनट न करके 112 इसको आप गलत कर दीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर जो बजट पेश हुई थी, तो लास्ट ईयर का पेश हुआ था बजट, ये हुआ था आपका फर्स्ट फैब 2020 में, इस उस समय जो बजट पेश हुआ था उन साल का जो टाइम था, इस अगर टाइम दिया गया था टोटल आपका 2 आवर 42 मिनट्स, 2 आवर 42 मिनट्स, यानी सबसे लंबा बजट जो है स्पीच इसी से 2020 का ही रहा, इस सबसे लंबा स्पीच रहा। क्यों? 2 घंटे 42 मिनट जो है लगातार स्पीच रहने के बाद, अब जानते हैं कि लास्ट लास्ट तक ना वो
ये निर्मला सीतारमण जी जो है सो बेहोश हो गई थी, और जिसके कारण बेहोशी के कारण वो गिर गई थी। और बाद में जो है आप ये भी ध्यान रखिए कि फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 2020 में जब बजट पेश हुई थी तो 2 घंटे 42 मिनट जो है लगातार बजट स्पीच रहा, जिसके कारण लास्ट में जो है निर्मला सीतारमण जी जो है सो बेहोश हो गई, जिसके कारण 2 पेज लास्ट में बच भी गए। और सबसे आज तक का जो भी बजट पेश हुआ है सबसे लंबा जो है स्पीच आवर 2020 का ही रहा, इस साल भी कम नहीं रहा। आप सोचिए 112 मिनट का लगभग आपका बजट स्पीच रहा, इतने मिनट्स, ठीक है। तो इसको जो है सो आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर लिख दीजिए, आप ज़्यादा बेटर रहेगा। 112 मिनट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना भी है, आपको कई बार एग्जाम आ जाता है कि सबसे लंबा जो बजट स्पीच किनका रहा, तो आप बता सकते हैं कि ये रहा इतने आवर इतने मिनट्स और 2020 का रहा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कुछ मेरे पास डेटा है, मैं इस डेटा के बेसिस पे मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ इस साल के बजट के बारे में। देखिए ये जो बी हमने यहाँ लिखा है ये बजट एस्टीमेट है, और आर ई जो है आपका रेवेन्यू एस्टीमेट है। इसको आप लिख लीजिए बजट एस्टीमेट, ठीक है, और इसको लिख लीजिए आप रेवेन्यू एस्टीमेट। ये दोनों क्या है? देखिए लास्ट ईयर ना 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस साल 2021 में जब बजट पेश हुआ था तो उस समय जो सरकार का अनुमान था, जो सरकार टोटल जो है बजट जब बनाया तो उसने ये अनुमान था कि 30.42 लाख करोड़ खर्च होगा, टोटल खर्च का ये ब्यौरा लिया था। लेकिन हुआ क्या 2020-21 में आया क्या 34.50, यानी ये मान के चलिए कि 30 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था ये खर्च होगा, लेकिन हुआ कितना खर्चा 34 लाख करोड़ रुपये, यानी इसमें खर्च बढ़ गई। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम लोग जो बजट बनाते हैं अपने घर का ही बजट बनाते हैं कि हर महीने हमें 10,000 रुपया जो है सो खर्च होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो पता नहीं होता है 11,000 रुपये भी खर्च हो जाता है, 12,000 रुपये भी खर्च हो सकता है, क्योंकि बीमार पड़ गए तो फिर अलग से, तो पता नहीं था कि बीमार भी पड़ेंगे। उसी तरह सरकार ने क्या किया, सरकार जब बजट बनाता है तो उसमें क्या करता है, सरकार एक साल में कितनी पैसा कमा कर लाया और सरकार एक साल में कितना पैसा खर्चा किया दोनों देखता है, यानी सरकार की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों देखना होता है। तो सरकार जो है टोटल एक्सपेंडिचर का जो बजट एस्टीमेट किया था 30.42 लाख करोड़, उसमें खर्चा उसमें हुआ कितना जब उसको फाइनलाइज किया गया तो रेवेन्यू एस्टीमेट जो है 34.50 लाख करोड़ हुआ। इस साल जो फोरकास्ट किया गया 2021-22 में, 21-22 के लिए जो फोरकास्ट किया गया है 34.83 लाख करोड़ का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि ये जो है ये डेटा आप मैं बता रहा हूँ 3 क्वार्टर का मैं डेटा बता रहा हूँ, अब 3 क्वार्टर के बाद जो है नेक्स्ट क्वार्टर का जब जाएगा तो फिर इनका भी हम यहाँ पे पता चल जाएगा। उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो इस 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ का था, जबकि हो गया कितना 4.39 लाख करोड़, ये 3 आपका क्वार्टर का है, ठीक है, यानी मार्च 31 मार्च तक, फिर अप्रैल से आपका नया डेटा। उसके बाद जो 2021-22 का जो है आपका जो है ये बजट एस्टिमेट किया गया 5.5 लाख करोड़। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो है फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा, टोटल कितना घाटा है। सरकार 2014-15 के आसपास जो है उसने सरकार ने ये डिसाइड कर दिया था कि हमें अपनी जो हमारे जो देश में जितने भी घाटा लगता है, जो भी लॉस होता है नुकसान है, उस घाटे को कम करेंगे। तो उसका टारगेट ये था कि 3.5 से हम फिस्कल डेफिसिट को और घटा करके 3.2, 3.1 इस तरह से घटाना है मुझे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि एक तो नोटबंदी आ गई, और नोटबंदी के बाद जो है आपका कोविड-19 महामारी के कारण ये बजट जो है बिगड़ गया, घाटा तो नहीं पाया, लेकिन अभी जो है हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, देखिए पहले जो है 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट 3.5 था, सरकार का मानना था कि इसको हम घटाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्या हुआ रिजल्ट, 2020-21 में जो फिस्कल डेफिसिट अचानक जो है ये बढ़ गया। अब बढ़ने का कारण क्या है कि 2020 में आपके कोविड-19 महामारी आया था, उसके कारण उस सरकार को घाटा लगा, ठीक है, उतनी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं हुई, हमारे फिस्कल डेफिसिट बढ़ गए। अभी तो खैर मुश्किल है कि इसको घटाना, 3.5 से नीचे लाना, इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो 2020-21
2021-22 का जो है बजट में इसको 36.8 रखा गया फिस्कल डेफिसिट। अब ये रखा गया, अब बताइए, लेकिन सरकार बोला है कि अभी 9.5 से हम 6.8 पर लाने का कोशिश करेंगे, ये रखा गया, लेकिन आने वाला समय में कभी न कभी ये रखेगा, ऐसा नहीं है कि वो 3.5 से नहीं है। सरकार का मानना है कि 2025-26 तक आते आते हम जो है इसको 3.5 से नीचे लेकर चले जाएंगे फिस्कल डेफिसिट को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा मैं मेरे मुझे जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों को शेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की, ये दोनों का अगर देखा जाए तो 2020-21 में जो बजट एस्टिमेट था वह मैं 20 लाख करोड़ का है, मतलब मैं इस तरह से नहीं पढ़ूंगा 20,20,926, इतना का आप समझ लीजिए, राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ, इस डिजिट को पढ़िए बाकी समझ जाइएगा। तो 20 लाख करोड़ का था और जो है इसका रेवेन्यू जो एस्टिमेट था ये 15 लाख करोड़ का है, तो फाइनली जो है यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। जो सरकार ने एस्टिमेट किया था बजट का ये जो है 20 लाख करोड़ का, लेकिन वो 15 लाख करोड़ रुपये ही इसका जो है रेवेन्यू रिसिप्ट रहा, इसलिए डिक्रीज हुआ है। वही अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट जो है 10 लाख करोड़ का था और बजट एस्टीमेट, लेकिन वो अगर रेवेन्यू एस्टीमेट की अगर बात करें तो ये 18 लाख करोड़ का है, यानी इंक्रीज हुआ यहाँ पे। तो ये सब थोड़ी सी डेटा याद रखेंगे, ये डायरेक्ट एग्जाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ अगर हम बात करें सरकार को जो सबसे ज़्यादा जो इनकम हुई है, जो कमाई हुई है, वो सर्विस सेक्टर से हुआ है। सर्विस सेक्टर से सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि ये टॉप सेक्टर, यानी क्योंकि 55% कंट्रीब्यूशन जो है ना जीडीपी में सिर्फ सर्विस सेक्टर देता है, उसके बाद इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बाकी वीकर सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर वगैरह आता है वो थर्ड पोजीशन पाता है, फर्स्ट पे क्या है आपका सर्विस सेक्टर है। उसके अलावा जो है लास्ट ईयर में हमारा जो है इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी ये इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल हुई है, ऐसा नहीं है इन्फ्लेशन आपका घटा है। तो ये सारे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको बताया है। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ तक हम पढ़े हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो जाएगी, तो इसलिए हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से हम करें काम किए हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको जो बताएंगे उसमें हम ये बताएंगे आपको कि सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम किस सेक्टर से आता है, जैसे आप सबसे जैसे टैक्स में आया तो टैक्स में कौन सा टैक्स से ज़्यादा इनकम आता है, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, कहाँ कहाँ से सरकार के खर्चे हैं, कहाँ कहाँ खर्चा है सरकार को, सारी चीज़ें बताएंगे। इसको 3-4 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे पूरी बजट, आप कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, सीरीज वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट कर वीडियो देखने से आपके काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी एग्जाम क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।